जितने भी लोग हैं जो इस चीज से घटना को मॉब लिंचिंग दी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देश में भाजपा की सरकार है जो कहती है कि हम हिंदू रक्षक है और गौ सेवक है, तो फिर ये चीजें क्यों हो रही है? मेरी गाय एक माँ की रक्षा नहीं होगी तब तक आक्रोश रहेगा इस छत्तीसगढ़ के अंदर में, क्योंकि गाय हिंदू समाज की आस्था का विषय है और आस्था के साथ खिलवाड़ हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। गौ तस्करों को रोकने का काम पुलिस का है कि बजरंग दल का है? प्रदेश की सरकार का रोकने का काम है। अगर नहीं रोकेगी तो मेरी आस्था के साथ में कोई खिलवाड़ करेगा तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और समस्त हिंदू समाज आकर के रोड पर उसका प्रतिकार करेगा। और बलरामपुर में जो हादसा हुआ है हमारे गौ सेवक भाई के साथ में, मैं उसके हत्यारों के लिए फांसी की मांग करती हूँ सरकार से। आरंग वाली घटना पर क्या कहेंगे जिसके लिए आज आए हुए? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यालय को घेराव की बात करते हैं तो तुम्हारे पूर्वजों ने सपना देखा था हमारे से लड़ने का, हमारे कार्यालय में आने का, वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। तुमको भी चैलेंज करता हूँ इस स्थान पर बैठ करके, जिस दिन तुम्हारे को लगे उस दिन आ जाना और अपने इस शौक को पूरा करके देख लेना। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। गौ तस्करी बंद करो हिंदू परिषद बजरंग दल का एक प्रोग्राम, ये प्रदर्शन आप देख पा सकते हैं रायपुर कोतवाली थाने के ठीक बाहर बैठे हुए और हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौजूद है। आरोप क्या है? आरोप को मालूम होगा कि आरंग में घटना हुई थी, गौ तस्करों को पकड़ा गया था। गौ तस्करों में 3 लोगों की मौत हुई थी, उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग हुई है। बात कर लेते हैं इन लोगों से। पूरा मामला क्या है? कुछ कोई लोग कह रहे हैं मॉब लिंचिंग है, कोई लोग कह रहे हैं कि देख लो। मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि कुछ लोग हाथापाई करके उसके साथ मारपीट करके उसकी हत्या करना, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 तारीख की मध्य रात्रि हमारे गौपुत्र गौ तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ने गए और पुलिस को सूचना दे के पकड़ने गए और वहाँ पर पुलिस के डर से, पुलिस की गाड़ी देख के उन्होंने नदी में कूदा, जहाँ पर महानदी में कूदा जहाँ पर पानी नहीं था। पानी नहीं होने के कारण उनकी दो लोगों की वहाँ मृत्यु हो जाती है, परंतु हमारे गौ सेवक उस मृत्यु हो जाने के बाद भी हम पुलिस के साथ जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं और सहायता करने के बाद उनको एम्बुलेंस में लाते हैं। क्या कहीं पर ऐसा लगता है कि हत्या करने वाला उनको एम्बुलेंस में ले जाएगा? यह सबसे पहली घटना है। और सरकार ने जिस टाइप से, अब प्रशासन ने जैसे मॉब लिंचिंग का नाम लेके जो धाराएं लगाई हैं वो कभी भी हमको बर्दाश्त नहीं होगी। अपने गौ सेवक रात भर इस गौ तस्करी को रोकने के लिए अपनी जान को हथेली में रख कर घूमते हैं और गौ माता को बचाने का काम करते हैं, परंतु प्रशासन ने कुछ भी बिना सोचे समझे ऐसी कार्रवाई कर दी, उसका बजरंग दल विरोध करता है। और जबकि जैसा लगता है उनको कि अगर वो आरोपी है तो यह पूरा हिंदू समाज भी आरोपी है। हम सबको गिरफ्तार कीजिए। प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं, पूरे प्रदेश से नहीं आए हैं, आसपास के जिलों से कुछ लोग आए हैं और यह पूरे जैसा यह अभियान चलने वाला है, यह पूरा प्रदेश भर चलने वाला है। एक बड़ा सवाल है कि मॉब लिंचिंग होती तो आप लोग की ओर से मारपीट होती वहाँ पे, मारापीटी होती वहाँ पे, उनको लेके जाते और आप ही लोग उनको पुलिस के पास भी गए? बिल्कुल, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कहीं पर भी नहीं आया है कि उनके साथ मारपीट हुई है। तो यह मॉब लिंचिंग बोलना और इस छत्तीसगढ़ का वातावरण खराब करने वाले जितने भी लोग हैं जो इस चीज से घटना को मॉब लिंचिंग दी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देश में भाजपा की सरकार है जो कहती है कि हम हिंदू रक्षक है और गौ सेवक है, तो फिर ये चीजें क्यों हो रही है? देखिए, वो कहते होंगे, अगर कहते तो इतने हिंदू समाज के लोग यहाँ पर उसका विरोध करने नहीं आते। यह स्पष्ट है कि कथनी और करनी में फर्क है और गौ माता को बचाने का काम और धर्मांतरण को रोकने का काम इस सरकार को करना चाहिए, जिसमें यह पूरी तरह विफल है। सरकार से कोई बात हुई आप लोग? देखिए, सरकार से बात होने के बाद हमने उनको पूरा चीज बताया और नहीं बताने के बाद बजरंग दल सक्षम है और यह सब चीज करने के लिए सक्षम है बजरंग दल। क्या करने वाले हो? हम यहाँ जब तक हमारी गिरफ्तारी नहीं होती हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हाँ, पिछले दिनों एक प्रदर्शन हुआ था, कुछ लोग आए हुए थे, अल्पसंख्यक लोग थे, उनका कहना था कि मॉब लिंचिंग हुई है, बड़ी घटना हुई है छत्तीसगढ़ में, सरकारी घटना, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, गौ तस्करी करने वालों की मृत्यु हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए कि गौ तस्करी करने वाले कौन थे, कहां से लाए थे, कहां से गायब, बाकी उन सबको छोड़कर इस घटना के ऊपर पूरा हमारे जो गौ सेवक है उनके ऊपर पूरा चीज मर दिया गया है। कुछ लोग गौ तस्करों को बचाने काम कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर उनको बचाने का काम किया जा रहा है। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजियों को बचाने के लिए एक विशेष वर्ग का लोग है, यहाँ पर भी विशेष वर्ग के लोग उनको बचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और भी लोग बात करते हैं। भाई साहब, गुस्सा ज्यादा है, आक्रोश ज्यादा है। देखिए, आक्रोश स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि एक पक्ष
जो गौ तस्करी करता है और दुर्घटनावश उनकी मृत्यु होती है और उसको एक मॉब लिंचिंग का नाम देने के लिए जो जो भी तत्व इसमें शामिल है और प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ये उनको हिंदू समाज का जवाब है। एक एक हिंदू अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। कौन कौन गौ सेवक जिनकी गिरफ्तारी हुई? जो दो तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये दबाव बना रहे हैं और ये घटना को गलत नाम देने का काम कर रहे हैं, इसलिए समाज संगठित होकर यहाँ आया है। और अगर इस टाइप की दुर्घटना को मॉब लिंचिंग का नाम लेके उसके ऊपर धारा लगा के अगर हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे बजरंग दल के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो हम सब दोषी हैं, हम सब गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ हैं। हालांकि गौ तस्करों को रोकने का काम पुलिस का है कि बजरंग दल का है? नहीं, देखिए, काम पुलिस का है, बजरंग दल सहयोगी है। जैसे समाज का एक सजग पहरी है, वैसी बजरंग दल गौ रक्षा के नाम से सहयोगी है। हमारा आयाम है, गौ रक्षक का एक समूह बना हुआ है, वो काम करते हैं। वो काम करने का उनका तरीका यह है कि वो ऐसा कोई घटना देखते हैं तो पहले प्रशासन को बताते हैं, प्रशासन पुलिस को बताते हैं, पुलिस उसमें अगर कहीं कमी करती तो गौ रक्षकों को आगे आना पड़ता है। गौ तस्करों के खिलाफ जो कोई कार्रवाई होनी है या फिर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे पुलिस किस रवैये पे? देखो, पुलिस की कार्रवाई अभी एक तरफा दिख रही है, वो दूसरे पक्ष के ये जो इकोसिस्टम एक काम कर रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसके दबाव में आ गए हैं। हम उनसे उनको चेतावनी देते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो उन इकोसिस्टम से बाहर निकले और वास्तविक चीज़ों को देखे और न्याय करे। हिंदू समाज हमेशा सहयोगी समाज है, सहिष्णु समाज है, वो हमेशा प्रशासन का साथ देगा। अल्टीमेटम है, ये चेतावनी है, हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग इकट्ठा हुए हैं कोतवाली थाना के बाहर में, ये गिरफ्तारी देने के लिए आए हुए। इनका कहना कि जिन दो गौ सेवकों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई एक तरफा है। आरंग इलाके में आपको मालूम होगा जो घटना हुई थी, घटना में तीन गौ तस्करों की मौत हुई थी। पुलिस ने जो थ्योरी बताई थी, जो पुलिस ने जो कहानी बताई थी, और कुछ लोगों ने आरोप लगाया था, कुछ लोगों का आरोप है कि उन्हें उनके साथ में मारपीट की गई, उनकी हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई, लेकिन मॉब लिंचिंग की बात को सिरे से खारिज किया जा रहा है, क्योंकि अगर मॉब लिंचिंग करते, मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देते, तो हिंदू समाज के लोग और जो वहाँ पर इकट्ठा थे वो लोग पुलिस के साथ वहाँ पर मौके पर क्यों जाते? अपने आप में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार बैठे हुए लोग इनसे बात करते हैं और भी हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, रायपुर के प्रदेश अलग अलग कोने से आए हुए लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि आक्रोश लगातार रोड पर लोग बैठे हुए हैं और बैठकर जो है अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर अभी पुलिस कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन जिले भर में, प्रदेश भर में अलग अलग होता रहेगा। बता दें कि सहारनपुर के रहने वाले चांद मियाँ, गुड्डू खान और सद्दाम, तीनों की मौत हुई थी और तीनों जो है गौ तस्करी कर रहे थे, इस बीच इनकी मौत हुई थी और उसके बाद जो है तमाम आरोप, तमाम चीज़ें सामने आई कि कहने लगे कि मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन मॉब लिंचिंग होती तो ये लोग, इनका आरोप। बलरामपुर जिले में आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों एक घटना हुई थी, सुजीत सोनी जिसकी संदिग्ध मौत हुई थी, उस मौत के बाद लगातार बवाल हुआ था, लगातार आरोप हुए थे उसमें। मामले में सुजीत सोनी की माता जी हमारे साथ मौजूद है, उस घटना के बारे में बताएंगी और चाहती क्या है उसे बताएंगी। जी, उस घटना के बारे में आप बताइए कि क्या हुआ था आप लोग के हिसाब? मेरा बेटा बजरंग दल का संयोजक था और जिला संयोजक, 27 मई को उसको मर्डर करके करंट से जला करके और डेड बॉडी को जंगल के में फेंक दिया गया था, और मतलब पुलिस वहां का सब काम को लिपापोती कर, सुअर फांदा बजाने वाला का मतलब सामने कर रहे हैं, उससे हम असंतुष्ट हैं। हमको सीबीआई जांच चाहिए और हमको जांच पड़ताल सही चाहिए, जो कि पुलिस प्रशासन हमारा जांच को सही करके जो असली मुजरिम है उसको पकड़े, यही कहना चाहती हूँ। कौन लोग हैं जो हत्या की होंगे आपका कौन लगता है? क्या कौन किया तो अब तो हम ये देखे थोड़े ना है कि हम बता पाएंगे कौन किया है, लेकिन तस्कर वाले पूरा साजिश के तहत उसको हत्या करके और करंट द्वारा जला करके और उसको डेड बॉडी को फेंके हैं। गौ तस्करी रोकने के लिए लगातार काम कर रहा? हाँ, गौ तस्करी रोकने के लिए हमेशा काम लगातार करते जा रहा था, शनिवार को भी किया था, 25 तारीख को भी किया था, रोका था। 27 को घटना हुआ है, उससे पहले भी पिकअप वाले को पकड़ा है और थाना में मतलब जो भी कागज पत्र है जमा करवाया था, और उसको दो चार बार पहले 15-20 दिन पहले धमकी भी मिला था
कि जैसे गाय बैल को ले जाते हैं उस तरह का तरीका से तुम लोग बजरंगियों को ले जाऊंगा और काट करके उसी भाव में बेच दूंगा। आप लोग सरकार से इस विषय में मिले थे, SIT का गठन भी हुआ है? SIT का गठन हुआ है लेकिन अभी तक बलरामपुर में कोई उसका आता पता नहीं है, कुछ प्रयास नहीं हुआ है, उसे हम असंतुष्ट हैं। हमको CBI जांच चाहिए एकदम, मतलब जो सही जांच है वो पुलिस वाले, SIT वाले, CBI वाले जो भी हैं हमको जांच करके जो ओरिजिनल कातिल है उसको पकड़ा जाए। सुअर फांदा का एक बहाना है, सुअर फांदा का कोई उसमें रोल ही नहीं है। बस आप ये चीजगढ़ का है, देखिए ये तस्कर लोग जो काम करते हैं, चीजगढ़ का वीडियो, ये महाराष्ट्र बॉर्डर का, यहाँ पर मेरे कुछ भाइयों ने तस्करी पकड़े थे और उसके बाद में महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे, जिसमें बिलासपुर के राम ठाकुर, रायपुर से मनोज जंगेल जी और गोल्डी शर्मा जी और हरी साहू जी, ऐसे लोगों को अभी थाने में रखा हुआ है महाराष्ट्र जेल में और दो लोगों को अभी ढूंढ रहे हैं। तो इतना प्रताड़ित कर दिए वहाँ के पुलिस वालों ने, तो मैं अपने हर गौ सेवक भाई के लिए चाहती हूँ कि उनका ये मदद करें और हर गौ सेवक भाई के लिए इंसाफ चाहती हूँ। और बलरामपुर में जो हादसा हुआ है हमारे गौ सेवक भाई के साथ में, मैं उसके हत्यारों के लिए फांसी की मांग करती हूँ सरकार से। आरंग वाली घटना पर क्या कहेंगे जिसके लिए आज आए हुए सब? आरंग वाली घटना का तो मैं कुछ नहीं, लोग मॉब लिंचिंग कह रहे हैं। नहीं देखिए ये तो सब तस्करों का हुआ है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तस्करी अगर पकड़ेंगे तो उनको तो सजा देंगे ही ना गौ सेवक भाई लोग, और जब वो लोग पकड़ते हैं तो उनको ही तस्कर बना दिया जाता है। और यहाँ पर पुलिस वाले भी साथ देते हैं तस्करों का, पैसा आ जाता है उनके पास में और ये भूल जाते हैं कि गौ सेवक को हमको बचाना है। तो ये सारा तस्करियों का मामला है और मैं अपने गौ सेवकों के लिए न्याय चाहती हूँ। आक्रोश दे सकते हैं, सुजीत सोनी की माता जी है, कहना है कि CBI जांच होनी चाहिए, CBI जांच के बाद ही जी उनसे बात कर लेते हैं। क्या हुआ था आप बताएंगे? क्या हुआ था 27 तारीख को? क्या कुछ हुआ 27 तारीख को? किसी अनजान एक महिला के द्वारा सुजीत को बुलाया जाता है रात में अपनी परेशानियों को बताकर, और उसके बाद सुजीत सोनी की उसी दरमियान हत्या कर दी जाती है और हत्या करके वहां से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर उसके लाश को टिकाने लगा दिया जाता है और साथ ही बर्बरतापूर्वक करेंट का भी उसको टॉर्चर दिया गया है। और पुलिस इसमें सुअर बजाने वाले जो गरीब ग्रामीण होते हैं उनको यहाँ पर कटघरे में खड़ा करती है और बोलती है कि इनके द्वारा सुअर का जाल लगाया गया था जिसमें सुजीत सोनी फंस कर ख़त्म हो गया, लेकिन असल में बात वो नहीं है, उसके साथ बेरहमी से तड़पा कर उसकी हत्या की गई है और उसके बाद उसको शॉर्ट सर्किट के द्वारा टॉर्चर करके उसको मारा गया है। और इसमें लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा लिपापोती की जा रही है, SIT की टीम की भी गठन की गई थी लेकिन अब तक SIT का कोई भी टीम धरातल पर कार्रवाई के मूड में नहीं दिखा। सुजीत सोनी के परिवार वाले और भी हिंदू संगठन के लोग मौजूद, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, जय शेरा। आक्रोश कब तक रहेगा? आक्रोश जब तक मेरी गाय माँ की रक्षा नहीं होगी तब तक आक्रोश रहेगा इस छत्तीसगढ़ के अंदर में, क्योंकि गाय हिंदू समाज की आस्था का विषय है और आस्था के साथ खिलवाड़ हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रदेश में गौ की तस्करी होती है, गौ तस्करी को रोकने के लिए गौ रक्षक लगते हैं, क्योंकि गौ की तस्करी को रोकने का काम इस प्रदेश की सरकार का है, इस प्रदेश के पुलिस प्रशासन का है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ पे गौ तस्कर पकड़े जाते हैं वहाँ पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का वो इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी कि वो मौजूद रहते हैं, वही पकड़ते हैं, पुलिस कहाँ पकड़ रही है? देखिए मैंने आपसे कहा कि गौ तस्करी प्रदेश की सरकार का रोकने का काम है, अगर नहीं रोकेगी तो मेरी आस्था के साथ में कोई खिलवाड़ करेगा तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और समस्त हिंदू समाज आकर के रोड पर उसका प्रतिकार करेगा। उसी श्रृंखला में यहाँ पर गौ रक्षक अपनी माँ को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल के दौड़ते हैं और उस 7 तारीख की रात को भी गौ रक्षक अपनी गौ माँ की रक्षा के लिए दौड़ रहे थे और झूठा आरोप लगाकर, मॉब लिंचिंग जैसा शब्द बता करके उनको झूठे आरोप लगाकर फंसा दिया गया और जेल में ठूस दिया गया। यह कृत्य जो किया गया यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का पुलिस प्रशासन को इस आरोप में जेल होनी थी, यह आरोप हमारे कार्यकर्ताओं पर लगाकर हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया गया है। अभी हर्ष मिश्रा नामक बंधु, राजा अग्रवाल, मयंक शर्मा
एक बंधु और है, ऐसा चार लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। और ये जितना जनमानस यहाँ पर एकत्रित आया है, ये सब गौरक्षक है भैया। गाय की तस्करी होगी, गाय को काट खाने में ले जाया जाएगा, तो ये समस्त हिंदू जनमानस रोकने का काम करेगा, और उसलिए हम सब यहाँ एकत्रित आए हैं। पिछले दिनों अल्पसंख्यक के लोग इकट्ठा हुए थे, उनका कहना था कि मॉब लिंचिंग हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है, उनका उस प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुसलमानों ने भी तय कर दिया कि हम गलत के साथ ही रहेंगे। वह जो विषय है, यह आप जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं वो, कि उत्तर प्रदेश से तीन बंधु यहाँ पर आकर कर क्या रहे थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से वो तीन बंधु यहाँ पर आकर कर क्या रहे थे? गाय की तस्करी ही कर रहे थे। कोई वो मस्जिद के मौलाना, मजार के मौलवी तो नहीं थे जिनकी मृत्यु हुई है, जिसके लिए आप कोहराम मचा रहे रोड पर उतर के? यह तो देखने को आता था कि कश्मीर में आप आतंकवादियों के साथ में खड़े होते थे, ठीक बात है, बंगाल में खड़े होते थे, ठीक बात है, छत्तीसगढ़ मेरे शांति का टापू है, इसको भी अशांत करने का काम आप कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप अनर्गलन बयानबाजी जो कर रहे हैं रोड में उतर के, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यालय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यालय को घेराव की बात करते हैं, तो तुम्हारे पूर्वजों ने सपना देखा था हमारे से लड़ने का, हमारे कार्यालय में आने का, वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। तुमको भी चैलेंज करता हूँ इस स्थान पर बैठ करके, जिस दिन तुम्हारे को लगे उस दिन आ जाना और अपने इस शौक को पूरा करके देख लेना। और भी लोग आए, राजनांदगांव से आए, बाकी देख सकते हैं प्रदेश भर से लोग इकट्ठा हुए हैं और आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है। इनका कहना है कि पहले इनको भी गिरफ्तार की जाए, जिस तरह से चार युवाओं की गिरफ्तारी की गई, चार गौ सेवकों की गिरफ्तारी की गई है, उसके विरोध में ये इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन इनका लगातार उग्र होते जा रहा है। पुलिस थाना कोतवाली सिटी थाना आप देख सकते हैं, और अलग अलग जगहों से आए, 7 मई की घटना आपको मालूम होगी कि यूपी सहारनपुर के रहने वाले तीन, एक छोटे मियाँ गुड्डू और सद्दाम, तीनों की मौत हुई थी। जैसे कहानी जैसे कि सामने आया था कि तीनों जो है सूखी नदी में, महानदी में कूद गए थे, कूदने के बाद दो की मौत हो गई थी, एक की मौके की मौत हो गई थी, दूसरे को अस्पताल ले जाते मौत हुई थी, और उसके बाद तीसरे की जो मौत है, घायल अवस्था में था, उस अस्पताल में उसकी मौत हुई है। उसके बाद ये कहानी सामने आई है, इसे कहा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग हुई है, और उसी के विरोध में हिंदू समाज के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये प्रदर्शन अभी जारी है। आगे आप बने रहिए चैनल के साथ, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।